हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल विश्वनाथ ब्लॉग्स पर। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों कि बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि मैं श्री माता वैष्णो देवी से कुछ समय के लिए अपने गृहनगर अपनी देवभूमि उत्तराखंड आ चुका हूँ, और माता रानी की कृपा रही तो कुछ ही समय के बाद मैं फिर से श्री माता वैष्णो देवी के दरबार से आपके लिए ताज़े नज़ारे लेकर आऊँगा। लेकिन जब तक मैं अपनी देवभूमि उत्तराखंड में हूँ, अपने गृहनगर में हूँ, तब तक आपके लिए हमारे रहन सहन से संबंधित, हमारे कल्चर से संबंधित बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आज का ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं अपने गाँव गया हूँ और अपने गाँव की तस्वीरें आपको दिखाऊँगा। हमारे गाँव में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हमारे गाँव के लोग जीवन व्यतीत करते हैं पहाड़ों पर, इस तरह की बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल विश्वनाथ ब्लॉग्स को। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये खूबसूरत नज़ारे, ये सरयू नदी है और मेरे गाँव के आसपास की ये जगह है। कितना खूबसूरत हरियाली भरा हुआ मौसम, कितना अच्छा हुआ है। सुबह सुबह का टाइम है आज का, और ये जो देख पा रहे हैं ब्लू कलर का छोटा सा मकान दिख रहा है, वो हमारा घर है। और मैं आपको नज़दीक जाकर भी दिखाऊंगा और अपने घर के आसपास में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कैसे हम लोग पहाड़ों पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, इस तरह की बहुत सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूँ। जैसे कि देख पा रहे हैं कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ का दिख रहा है। सबसे पहला घर आपको ऊपर मिल जाएगा वहाँ पर, उससे नीचे फिर लगभग 200 मीटर 300 मीटर की दूरी पर हमारे सारे घर हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल हमारे बुजुर्गों ने पहले ही रखा था। अब मैं आपको दिखा पा रहा हूँ उगते हुए सूरज का खूबसूरत नज़ारा अपने गांव से। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है उगता हुआ सूरज। एक्चुअली हमारा गांव जो है यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। निसनी नाम का गाँव है हमारा, और ये एक छोटा सा तोक है। यहाँ पर 12 से 13 घर हैं, रछाड़ी इसका नाम है। और यहाँ के हमारे सीढ़ीदार खेत देखिए कितने खूबसूरत होते हैं और कितना अच्छा लगता है। यहाँ पर धान की खेती हो रखी है, मक्के यहाँ पर हो रखे हैं। मैं आपको नज़दीक जाकर भी दिखाऊंगा कौन कौन सी खेती हम लोग करते हैं, किस तरह से हम लोग यहाँ पर खेती करते हैं। मैं अपने घर से थोड़ा सा ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पर हमारा छोटा सा एक आम का बगीचा है मेरे दादा लोगों का। ये मेरा ददा हो रहा है, बिल्कुल उल्टा हो गया, आम तोड़ रहा है। यहाँ पर आम की तुड़ाई हो रही है, धीरे 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 सेल किए जा रहे हैं, क्योंकि रोड में पहुँचाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। इसी कारण से धीरे धीरे करके यहाँ से आम सेल कर रहे हैं। और ये है हमारी पवित्र एवं पावन सरयू नदी। रामगंगा, पनार और सरयू नदी से मिलकर, तीन नदियों से मिलकर ये नदी बनी हुई है। और आगे जाकर यहाँ से लगभग 8-9 किलोमीटर आगे जाकर पंचेश्वर में 5 नदियों का संगम स्थल होता है, वहाँ से ये काली नाम से जानी जाती है। तो हमारा घर देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है। यहाँ से देख सकते हैं नदी में जो खेत हैं, इनमें रागी बोई हुई है। रागी का आटा अगर आप अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पर सर्च करेंगे तो आपको 75 रुपये पर केजी तक मिलेगा। वो वाली रागी हमारे यहाँ होती है, हमारे उत्तराखंड में होती है। उसकी तासीर गर्म होती है और इसी कारण उसे सर्दियों में ज़्यादातर उसके आटे को खाया जाता है। और यहीं पर हमारा एक छोटा सा मंदिर है और मंदिर के पास गिरे रहते हैं आम। सुबह सुबह जब हम छोटे थे तो बहुत सारे आम तोड़ने यहाँ से जाते थे। इस आम का अलग ही टेस्ट है, भले ही छोटे दाने हैं ये देख लीजिए, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही अलग रहता है। तो मैं फाइनली आ चुका हूँ अपने घर और मैं अपने आम के पेड़ के पास हूँ। ये मैं आम वो वहाँ से लेकर आया था। ये छोटे से आम हैं लेकिन इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, बहुत ज़्यादा खट्टा मीठा टेस्ट रहता है इनका।
हालांकि दशहरी, बम्बैया आम यहाँ पर बहुत सारे हैं, लेकिन इनका अपना ही टेस्ट है, इनकी अपनी ही खुशबू रहती है। ये हमारा पुराना घर है पहाड़ का। हमारा 5 से 6 साल पहले यहाँ से पलायन हो चुका है, क्योंकि कुछ सुविधाएं नहीं होने के कारण, कुछ परेशानियां इन गांव में होने के कारण हम लोगों ने यहाँ से पलायन कर चुके हैं। हालांकि मेरे पापा अभी यहीं पर रहते हैं, क्योंकि ये जो हमारा छोटा सा बाग है, इसकी देखभाल भी वो करते हैं घर में रहकर। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कितने आम लगे हुए हैं हमारे छोटे से गार्डन पर। ये हमारे आम का पेड़ है, और इसके बगल में हमने एक लीची का पेड़ भी लगाया, जैसे कि देख सकते हैं एक बड़ा हो चुका है काफ़ी अब। और ये फूल हमने लगाए थे, मैं जब 9th या 10th में पढ़ता हूँ तब हमने ये फूल लगाए थे। ये हमारा छोटा सा पुराना घर है गांव का, इसी में हम पले बड़े हैं, इसी से हमने चलना सीखा, यहीं से हमारी जन्मभूमि, हम यहीं के हैं। लेकिन कोई भी आदमी अपनी जन्मभूमि को, अपने इलाके को, अपनी जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहता है। कुछ मजबूरियां, कुछ परेशानियां ऐसी रहती हैं जिससे मजबूर होकर आदमी को इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं। मैं पलायन का बिल्कुल भी साथ नहीं देता हूं। मैं नहीं चाहता कि हम लोग पहाड़ों से पलायन करें, हम लोग यहाँ से प्लेन्स की तरफ रुक करें, लेकिन कुछ मजबूरियाँ हमारी ऐसी रहती हैं कि हमें ये कदम उठाना ही पड़ता है। ये यहाँ पर पापा ने ककड़ी की बेल लगाई है, और इसमें ककड़ी लगने ही वाली है थोड़े दिन में। ये माल्टे का पेड़ है, ये है केले का पेड़। उत्तराखंड में या फिर पहाड़ों पर दूसरे तरह के केले होते हैं, मैं आपको अभी केले दिखाऊंगा किस तरह के हमारे यहाँ पर होते हैं। देख सकते हैं मेरे घर के छत से इतना अच्छा सीन है, इतना अच्छा व्यू है, किसका दिल करता है इस तरह की जगह को छोड़कर, पहाड़ों पर इस तरह की जगह को छोड़कर, अपने घर को, अपनी जन्मभूमि को छोड़कर बाहर जाने का। अब मैं दिखाता हूँ आपको हमारे माल्टे का पेड़ है यहाँ पर। माल्टे बहुत ही रसदार, एक खट्टा मीठा फल होता है माल्टा, अगर जो लोग नहीं जानते हैं, और जो उत्तराखंड से हैं वो तो बहुत ही अच्छे से भली भांति इसको जानते हैं। ये हमारा बहुत पुराना किचन है पहाड़ का, और ये हमारा उससे भी ज़्यादा पुराना घर है जो दादाजी के द्वारा बनाया गया था। बहुत पहले इस तरह के घर हमारे पहाड़ों पर होते थे, पत्थरों से, ऊपर से भी पत्थर और नीचे मिट्टी पत्थर से बने हुए इस तरह के खूबसूरत घर होते थे हमारे यहाँ पर। अब मैं आपको हमारे खेत में लगा हुआ केले का पौधा दिखाता हूँ। इस तरह का केला हमारे पहाड़ में होता है, बड़े बड़े इसमें केले लगते हैं। मेरे घर से लगभग 30 मीटर की दूरी पर हमारा एक नौला है। नौला मतलब प्राकृतिक रूप से निकलती हुई जलधारा को हमने एक छोटे से कुएं में डाल रखा है। प्राकृतिक रूप से यहाँ पर पानी हमेशा निकलता रहता है थोड़ा थोड़ा, और बहुत ही ठंडा पानी रहता है। सर्दियों के मौसम में आप सुबह सुबह जाएंगे तो इस पानी से भाप निकलती है, वह हल्का गर्म सा रहता है, और गर्मियों के मौसम में जितनी ज़्यादा धूप बढ़ती जाती है उतना ही ये पानी ठंडा होते जाता है। तो दोस्तों ये है मेरे पापा, ये मेरे गांव के घर में रहते हैं और देख रेख यही करते हैं हमारे घर की। यहाँ पे हमारा छोटा सा जो गार्डन भी है, और जैसा मैंने आपको दिखाया पूरा हमारे घर का इलाका, ये सारी देख रेख पापा ही करते हैं घर में। हमारी पूरी फैमिली प्लेन्स में रहती है खटीमा में, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया वीडियो में। तो दोस्तों लास्ट में ये वीडियो थोड़ा सा इमोशनल टाइप का हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अब मैं खाता हूँ, 2 से 3 वैरायटी के आम मैंने यहाँ पर रखे हैं, और मैं खाता हूँ आम, और आपको बताना है कमेंट करके कि आज का ये वीडियो कैसा लगा, हमारे पहाड़ का घर, पहाड़ हमारा गांव कैसा है। तो मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।